हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत टी एंड आप देख रहे हैं फार क्राई प्राइमल का बिल्कुल नया एपिसोड। तो प्लीज इन एपिसोड्स को लाइक करना ना भूलिए। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने रोशनी की मदद से काफी सारे इजिला कैंप्स को आग में जला दिया, और आज हम बढ़ेंगे वहीं से आगे हुया का भूया का। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुश्ती भाई, बीच रास्ते में कुश्ती स्टार्ट कर दिए दो लौंडियों ने। ये देखिए, ये देखिए, कुश्ती शुरू हो चुकी है। ओहो, ये धोबी बिछाड़, क्या बात है, अभी तक छोटे बाल वाली महिला जीत रही हैं, क्या बात है, चुटिया वाली हार रही हैं। और दूसरी बार पटक दिया गया, दो पॉइंट्स हो गए इनके। देखते जाइए ये मनोरंजक कुश्ती का मैच, दोनों हार मानने से इनकार कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। एक चांटा लगने वाला था और फिर दोबारा, और ये तीसरी बार, इसी के साथ ये छोटे बाल वाली महिला विजेता। आजा मैं भी कुश्ती। नहीं, ओके। तो आज हम जा रहे हैं उदम द्रोही डा के पास। यस, डा थोड़ा हमसे नाराज हो गया कि उसके झोपड़ का सेकंड अपग्रेड नहीं हुआ। भाई तो लो कर देते हैं, और इसी के साथ डा का घर डबल अपग्रेड। तो अब खुश होगा डा, थोड़ा उसका सरदर्द कम होगा थोड़ा सा। स्मार्टका अब तो खुश है तू। डा हंट सन वॉकर सिस्टर्स फॉर मेनी मून्स, ये अच्छी बात है। तो डा भी थोड़ा इजिलास की ले रहे कुछ, एक दो सिस्टर्स थी इजिला सिस्टर्स जिनके पीछे ये पड़ा था, दे बर्न उदम। तो डा को भी इजिला पसंद नहीं, मेरे ख्याल से एक दो दोस्तों को जला चुके हैं इसके। अच्छा, डा अब कमजोर, तो वो जाएगा नहीं लड़ने, हमें जाना पड़ेगा उन सिस्टर्स को मारने। ये इजिलास की लड़कियां काफी खतरनाक है। और वो सेफ, तो डा ऑफ दी उदम का मिशन मार्क हो चुका है। वो चाहते हैं हम तीन डेडली इजिला सिस्टर्स की कत्ल कर दें। लगता है बहुत बड़ा इजिला कैंप है, तीन सिस्टर्स, तीन इजिला सिस्टर्स मेन बॉस होंगी लगता है मुझे। ओ भाई, सिस्टर्स ऑफ फायर। ओ ओके, लेट्स चेक आउट क्या किस पंगे में पड़ रहे आज हम। ओ भाई, दो यहाँ पे लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है इनकी, अंदर कुछ फंसा हुआ है वहाँ पे। ओहो, एक शेर फंसा हुआ है। एंड ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा, पहाड़ी चढ़ते जा रहे हैं ये लोग, लोग ही लोग भरे पड़े हैं। एक आउटपोस्ट एंड तीन मेन सिस्टर्स होंगी। लाल वाली है एक, एक दिख गई, दो दिख गई है मुझे, तीसरी कहाँ है। तो लेट्स गो, इस शेर को हम इस पिंजरे से बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा तहलका मच जाएगा इनके कैंप में। एक शेर वहाँ फ्री हो चुका है, एंड मैं यहाँ से मैं अपना सेबर टूथ प्लट फैंग छोड़ने वाला हूँ। अटैक, फायर फॉर फायर, वार्निंग बज चुका है, अलार्म बज गया है। शिट, दो ही सिस्टर्स मिली है, उनमें से एक ये रही, भाग रही है। अरे कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, बम फेंकेगी मेरे ऊपर। बूम, ओहो, उसी का बम उसी पे फट गया, एंड शी इज डाउन। उसके चिता पे आग लग गई बुरी तरह। आ जाओ सब, आ जाओ सब, मरेंगे आज। कौन पीट रहा है मुझे, ओह क्या हेडशॉट था मास्क के थ्रू उसके। ओह नो, किसी ने मेरे, ये रही एक सिस्टर तो यहां पे मरी पड़ी है। तो उसके अंदर से हमें एक ट्रॉफी मिल चुकी है, गजब। तो हमें तीन ट्रॉफीज चाहिए भाई साहब। चारों तरफ से हमला होए जा रहा है, होए जा रहा है।
एंड किसी ने मेरे ब्लड फैंक को मार दिया है। लेट्स गो, आजा बलू, अब तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं सबको। ये आई एक और सिस्टर, एंड ये है मेले वेपन वाली, इसका मास क्या, कम ऑन, बूम, यस, शी इज डाउन। ओह शिट, सीधा आग में गई है, एंड मेरा बलू आ चुका है। अटैक अटैक, शिट, इनने वुल्फ को भी मारा हुआ है। एक और ट्रॉफी चाहिए, दो ट्रॉफीज हो गए मेरे पास, एंड तीसरी को मैंने कहाँ मारा, ओके, तीसरी को मैंने जो फर्स्ट मारा था, एंड तीन ट्रॉफीज हो गई हमारे पास। हू, एस्केप द इजिला कैंप, ऐसे कैसे, बिना मारे कैसे, बूम, सबका खात्मा होगा। ये गए सिस्टर्स ऑफ फायर, मिशन कंप्लीट। तो डा का बदला उन तीन इजिला सिस्टर्स से तो पूरा हुआ, और अब हम बढ़ेंगे ग्रेट स्कार बेयर हंट पे। यस, हम एक और पीस मास्टर हंट पे जा रहे हैं। आज मेरे साथ है मेरा ब्लड फैंग सेबर टूथ, एंड आज हम जा रहे हैं पीस मास्टर हंट पे। यस, द ग्रेट स्कार बेयर, डिफिकल्टी लेवल हार्ड, एंड देखते क्या होता है। हम केव के अंदर आ गए, एंड ये भालू का गुफा बिल्कुल सेफ नहीं हो सकता। तो पानी पानी है, अंडरग्राउंड रास्ता है, भाई ये रहता कहाँ है। जायमा के अगर आपने निशान देखे हो हाथ पे, इसी भालू के निशान थे जो वो दिखा रही थी उस दिन। आज हम जायमा के लिए इस बीस्ट का भी अपना पेट बना ही लेंगे। ओके, फ्लेम ऑन, एंड मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा भालू होगा इस फार क्राई प्राइमल में। बहुत ही खूंखार, खून से लथपथ, पता नहीं कितनों का शिकार कर चुका है ये, जानवर से लेके आदमियों तक का। कहाँ है तू ग्रेट स्कार, बाहर निकल, आज वन ऑन वन फाइट होगी। मेरे से 10 फुट ज़्यादा लंबा होगा ये, लेकिन तब भी वन ऑन वन फाइट होगी। ऑब्वियसली मेरे साथ मेरा ब्लड फैंग है दो। ओ शिट, तो पेंटिंग देख सकते हैं आप वॉल में, ब्लड फैंग ग्रेट स्कार बेयर की, इन्वेस्टिगेट। तो ये है, किसी ने इसकी पेंटिंग्स बना रखी है यहाँ पे ग्रेट स्कार की, देख सकते हैं आप कितने लोगों का इसने कत्ल किया है। के बेयर स्पिल मच ब्लड, ओ शिट, वो आसपास ही है। ग्रेट स्कार बेयर हंट शुरू। तो लगता है यहाँ पे किसी ने कैंप फायर बनाया था, उसकी पेंटिंग्स बना रखी है, एंड मुझे नहीं लगता वो सरवाइव किया इस चीज़ को। Use the clues to track the great scar bear. हर्स वैली में हम निकल आए, बिल्कुल नई जगह ये। भाई कौन से क्लूज़ की बात कर रहे हैं, मुझे तो एक भी क्लू नहीं दिख रहा आसपास। है कहाँ ये ग्रेट स्कार बेयर? ओके, मैप में कुछ ऑरेंज ऑरेंज मार्क हो चुका है, एंड भाई यहाँ पे इजिलास क्या कर रहे हैं? शाबाश, पीछे से टेक डाउन, बूम। ओ भाई, सेबर टूथ ही सेबर टूथ है इधर तो, दो दो सेबर टूथ एक साथ। भाई मेरे सेबर टूथ को छोड़ दे, फाइट, दिशुं, दिशुं। ओ बहुत सही, टेक डाउन टेक डाउन, ब्लड फैंग ब्लड फैंग, शाबाश, शांत कर दिया इसको। ले भाई बनता है तेरा। ओके, वापस उसी काम पे जिस काम पे हम आए थे। ये रहे फुटस्टेप्स भालू के, मेरे ख्याल से पूरे खून में लथपथ है, एंड यस हमें एक ट्रेल मिल चुका है, इसी का फॉलो करना है हमें, एंड हम ग्रेट बेयर स्कार तक पहुंच जाएंगे। ओह शिट, क्या है यहाँ पे, क्या है, सफ़ेद शेर, ओहो ये तो मेरा बंदा संभाल लेगा, इन्वेस्टिगेट। तो हंटर्स यहीं आसपास ही थे मेरे ख्याल से, वो भी ग्रेट स्कार बेयर को हंट करने आए, एंड इस कैंप के बाहर देख सकते हैं बड़े बड़े भालू के निशान, उसी तरफ जा रहे हैं। यस, ये रहे और फुटस्टेप्स ही फुटस्टेप्स, लगता है उस पूरे कैंप को ख़त्म कर डाला उसने। एंड ये कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, किसी बड़े से गुफे की तरफ जा रही है ये सब। ओ यहाँ पे कुछ है, इन्वेस्टिगेट। बेयर ब्लड ट्रैप कैच बेयर,
तो लगता है हंटर्स ने काफ़ी सही सा ट्रैप बिछाया था एंड थोड़ी देर के लिए उसको कैप्चर भी कर लिया था, लेकिन भाग चुका है यहाँ से, खून हो चुका है उसका थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी सी जख्म उस पर लग चुकी है, थोड़ा सा वीक हो चुका होगा। लेकिन लेट्स गो, सामने मुझे हंटर्स दिख रहे हैं एंड ओ नो, इजीला हंटर्स ही है, अटैक। अरे कहाँ भागेगा, कहाँ भाग रहे हो तुम, हाँ हम पे अटैक करके भाग रहे हो, शाबाश ब्लड फैंग, शाबाश। एंड यहाँ पे कुछ है, स्पीयर्स, बेयर फाइट हंटर्स, फुटप्रिंट्स, वॉक नॉर्थ। ओके, तो दो एरिया मार्क हो चुके अब मेरे पास, एक वहाँ पे और एक उस तरफ, तो नॉर्थ की तरफ गए, आई होप यही नॉर्थ है। एंड शिट, सामने और इजीला हंटर्स हैं, अटैक, कम ऑन ब्लड फैंग, फुर्ती के साथ ये झपटा, एक गया, किसी को खबर भी नहीं हुई। एंड ये टेक डाउन, बूम, हट, शाबाश। थोपड़े तो ऐसे चबा जाता है ये, च्युइंगम की तरह। चलो सही रास्ते में तो है, हंटर्स के रास्ते में निकल आए मेरे ख्याल से, हंटर्स यहाँ से गए, कैंप फायर मुझे मिल गया है, बूम। तो हंटर्स गैदर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे उन्होंने कैंप बनाया होगा, काफ़ी लड़ लिए वो बेयर से। अब कहाँ, लेकिन अब कहाँ, दूसरे पॉइंट की तरफ ही जा रहा है ये, तो ये रहे निशान, सही रास्ते में हम, बिल्कुल सही रास्ते पे। तो मुझे फाइट आसपास ही नज़र आ रही है, ओह शिट, फिर और इजीला हंटर्स, कम ऑन, टेक डाउन, बैम, स्कल बैश। या के यहाँ पे तो ओके, ये रहा कुछ और मीट, बी हाइव। तो उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता से उस भालू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, यहाँ पे फंसाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए लगाए। हम यही फॉलो करते रहेंगे। अब आए भालू के निशान। ओ शिट, ये कौन सा भालू है, छोटा भालू, ब्राउन बेयर मिला है मुझे, कम ऑन, छोड़ना मत, ये ले, क्या नोचम नाची लगा रखा है इनने, चक। ओके, बड़ा बेयर तो मिला नहीं मुझे, छोटा बेयर मिल गया, आई होप इसके रिश्ते में ना आता हूँ। एंड ये जा रहे हैं उस तरफ निशान। ओके, ट्रैप्स बिछा सकते हैं हम यहाँ पे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपको पता ही है, थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है, काफ़ी डैमेज होता है उसको। एंड और हंटर्स, कम ऑन, ये ले, शाबाश, काफ़ी सारे हंटर्स हैं यहाँ पे, स्पेशली इजीलाज, ट्रैप लगाना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे कैंप भी है, यानी कहाँ पे फाइट हो रही है, ऊपर फाइट हो रही है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ओहो, ये रे, तो ये इजीला हंटर्स ही हैं जो बेयर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड काफ़ी करीब हैं सब, ऊपर ही फाइट हो रही है, शिट, चढ़ो जल्दी, उससे पहले वो बेयर को पकड़ ले, मुझे चाहिए वो, कम ऑन, चढ़, ग्रेपलिंग, चेंज, यहीं से मर के ना गिर जाऊँ मैं उससे पहले, बहुत सही, सेबर टूथ मेरा दूसरे रास्ते से आ रहा है। एंड ये रहा ग्रेट स्कार बेयर, इस पे मेरा शेर अटैक करेगा, मैं इसको पीछे से लूंगा, बूम, हेडशॉट, ओ भाई, ग्रेट स्कार बेयर और मेरे सेबर टूथ में फाइट हो चुके ब्लड टस्क में, शाबाश, मारते जा, ओ भाई बहुत ही साइज देखिए इसका, मुझे ही थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, शिट, उसने मेरे सेबर टूथ को डाउन कर दिया, कम ऑन, उठ, ये ले मीट,
एंड ग्रेट स्कार मेरे पीछे पड़ गया भाई साहब, छोड़ना मत। ओ भाई साइज देखिए, 10 फुट से तो ज़्यादा ही लंबा होगा ये देख लो। शिट, आई थिंक मुझे यहाँ से भागना चाहिए। वापस मैं उसको ट्रैप के पास ले जाऊँ क्या? ओह फक, साइज क्या दिखा रहा है मुझे अपना? हाँ ओ भाई, ये तो भाग निकला यहाँ से। कम ऑन, कहाँ जा रहा है वो? उठ, वो आ गया वापस, डरा ही दिया तू तो। थोड़े से और हम ये बनाएंगे, क्या कहते हैं इनको, स्पीयर्स। भाई इसके अंदर गढ़ तक नहीं रही है। ओ साइज देखिए, फिर दोबारा दौड़ स्टार्ट हो गई यहाँ से। ट्रैप्स तो काफ़ी है आसपास, लेकिन फंसाऊँ कहाँ मैं उसको? ये इजीला भी आसपास ही घूम रहे हैं। ये मेरा शिकार है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। एंड उसने फिर मेरे ब्लड फैंग को मार दिया कहीं ले जाके। कहाँ भाग गया ये ग्रेट बेयर? अरे यार, ये तंग कर रखा है इन लोगों ने। क्यों घूम रहे हो तुम इधर? इतने सारे ट्रैप बिछा तो दिए मैंने, लेकिन अब वो है कहाँ? जल्दी जल्दी, थैंक गॉड, जस्ट बचा लिया हमने इसको, जस्ट। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये ले, रेडी हो जा फाइट के लिए। तो मेरे को लगता है वो इसी गुफे के अंदर चला गया है। आई डोंट नो किस तरफ भागा, कहाँ गया वो? तैर के निकल गया क्या? प्लाश का केव, ओके। पता नहीं ये भालू कहाँ से कहाँ निकल गया। आई होप मैं सही रास्ते पे हूँ, कोई निशान नहीं दिख रहे मुझे, कुछ नहीं दिख रहा। ओके ओह, ये क्या हुआ? कैसी दहाड़ थी ये भाई। ट्रैप बिछाओ फटाफट, इससे पहले हमला हो जाए। कहाँ है ट्रैप, कहाँ है ट्रैप, कहाँ है? कम ऑन, ओ शिट, हार्डवुड ख़त्म, हार्डवुड ख़त्म मतलब ट्रैप ख़त्म। ये आया भालू मेरे पीछे, शिट भागो। अबे यार, हार्डवुड अभी ख़त्म होना था। ये आया, ओ आ गया, आ गया, आ गया। ट्रैप कहाँ था मेरा, ट्रैप कहाँ था? यहाँ पे, आ जा, आ जा। और नहीं बना सकता मैं अब, आ जा इधर आ। ये फंसा ट्रैप में, ये हुई ना बात। ये ले सर पे, ये ले, फेंक इस पे, आग लगा के फेंक, बूम, बम फेंको इसके ऊपर। यस, भालू पे थोड़ी सी आग लगेगी। फाइट सेबर टूथ, क्या देख रहा है? कन्फ्यूजन बॉम्ब फेंकना पड़ेगा लगता है इसके ऊपर, बस एक बॉम्ब। यस यस, काफ़ी चोट पहुंच रही है। ये ले गैस, उदम का गैस। ये ले क्लब फेंको, उठाओ और फेंको इसके ऊपर। कम ऑन ब्लड फैंग, बहुत सही, काफ़ी डैमेज कर दिया ब्लड फैंग ने उसके पे। एंड फिर दोबारा ये तैर के दूर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? बच गया साला। फिर भागने की कोशिश, कहाँ तक भागेगा भाई? बहुत तेज़ है ग्रेट स्कार, फिर भाग गया। उसकी बस सुगंधी दिख रही है, दुर्गंधी दिख रही है हमें, सुगंध दुर्गंध। ग्रेट बेयर डेन में पहुँच गए हम वापस। ओ आ गया, अटैक, डबल एरो, बूम, ओ शिट, वन ऑन वन मैं हो गया उसके साथ। कम ऑन, ये ले बम, ओ शिट, बेयर पर तो नहीं आ गया बम। आ जा, वन ऑन वन, बूम 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 बूम, ये ले क्लब, ये ले, ये ले, यस, मैंने उसको हरा दिया। ही इज डाउन, टेम करने की बारी अब, टेम ब्लड स्कार।
ग्रेट स्कार बेर मेरा हुआ। यस ग्रेट स्कार बेर हंट मिशन कंप्लीट। एंड आखिरकार ये मानव खाने वाला बड़ा सा भालू मेरा हुआ। ग्रेट स्कार इसके खुद के इतने स्कार्स है, कितने लोगों को इसने स्कार्स दिए। ओ भाई इस बालू को हंट करते करते तो मेरी वाट लग गई। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। लाइक करना ना भूलिए इस एपिसोड्स को, कमेंट्स में बताइए अगली बार हमें क्या करना चाहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर फार क्राई प्राइमल। तब तक के लिए बाय बाय।